तेजस्वी। दरअसल ये जो एक बड़ा दिन है, बड़े दिन के साथ बड़ी तैयारी भी है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए योगी आदित्यनाथ आपको लगातार टीवी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं और अब आप देखिए हलचल यहाँ पर किस तरह से है। अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ जल्द ही अब मंदिर प्रांगण के अंदर होंगे। सीढ़ियों के इसी माध्यम से अब योगी आदित्यनाथ अंदर आ रहे हैं। साथ में आप राजू दास आप उनके साथ में देख रहे हैं और तमाम जो महंत हैं उन्हें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाइम्स ऑन भारत आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें। उनके विशेष दस्ते के साथ योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हुए और हनुमान गढ़ी में विशेष पूजन का महत्व है और मंदिर प्रांगण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण की तरफ तो देखिए टाइम्स ऑन अब भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्योंकि अयोध्या पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया। थोड़ी देर में गर्भगृह निर्माण का शुभारंभ भी योगी आदित्यनाथ करेंगे और आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा और इसकी शिला यानी कि इसकी आधारशिला योगी आदित्यनाथ ही रखेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचे योगी आदित्यनाथ और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे थे। हमारी सहयोगी नैना पलपल की अपडेट वहां से दे रही हैं। आज कह सकते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन, अहम दिन, क्योंकि सभी को इंतजार है कि राम मंदिर कब बनकर तैयार हो और कोशिश लगातार यही है कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। योगी आदित्यनाथ जो है वो आज पहुंचे हैं गर्भगृह का जो शिला पूजन कहेंगे, आधारशिला जब रखी जाएगी तो पहली ईंट जो है वो योगी आदित्यनाथ लगाएंगे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और उसके बाद हनुमानगढ़ी होकर ही आप जो है मंदिर के प्रांगण में जा पाएंगे। तो ये दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, हेलीपैड पर जब पहुंचे थे तो उनका स्वागत हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और फिर वो अयोध्या में मंदिर के प्रांगण में और यहां वो जायजा भी लेंगे जो काम अभी तक हुआ है, निर्माण काम कार्य जो अभी तक हुआ है, कितना काम रह गया है, कितना कार्य हुआ है और कितनी गति से काम जो है वो हो, क्योंकि न सिर्फ ये गर्भगृह का पहले निर्माण कार्य शुरू होगा उसके बाद जिस तरीके से पत्थरों को तराशा जा रहा है, जिस तरीके से वहां मजदूरों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो और बिल्कुल उसी तरीके से निर्माण हो इस भव्य राम मंदिर का जिस तरीके से लोगों के जहन में कई सालों से इंतजार था कि हमारे राम लला जो हैं वो कब अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो आज गर्भगृह का शिलान्यास कह सकते हैं, आज जो शिला पूजन होना है योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है और वहां पहुंच चुके हैं। किस तरीके की सजावट की गई है जब हमारी सहयोगी नैना वहां पर पहुंची हुई है तो कह रहा है कि जैसे पूरी अयोध्या ही तैयार है अपने भगवान श्री राम के लिए। जब अयोध्या आगमन हुआ था भगवान श्री राम का तो उस वक्त जिस तरीके की तैयारी हुई थी इस तरीके से फूलों से सजाया गया है आज, क्योंकि आज ही गर्भगृह की आधारशिला जो है रखी जाएगी।